सो भाई फाइनली ले लिया हम लोगों ने गोप्रो हीरो 8 ब्लैक। 9 अभी अभी लॉन्च हुआ है, बट 9 बहुत महंगा है, 50,000 रुपये का, और अभी तक इंडिया में आया भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना 8 ले लिया जाए। लास्ट ईयर मेरा मन था कि गोप्रो हीरो 7 ब्लैक लूँ, बट उस टाइम पैसे नहीं थे। फिर चलता रहा चलता रहा, फिर मैंने आईफोन ले लिया था, ये वाला पड़ा हुआ ऊपर। फिर मैंने सोचा कि इससे थोड़ी बहुत वीडियोज़ बनाएंगे, अभी भी उसी पर शूट हो रही है। सो क्लियरिटी बताओ कैसी लग रही है अभी बाहर जाके। इसको मैं भी हेलमेट माउंट करूंगा, इसके सारे माउंट्स तो नहीं है, एक एडवेंचर किट लिया मैंने। और पहले दिखाता हूँ कि क्या क्या मैं खरीद कर आया हूँ, फिर आपको बताते हैं। सीधा बाइक पे मिलता हूँ, बाइक भी बताऊंगा कौन सी है मेरे पास। मोस्ट ऑफ द लोग जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको नहीं पता क्या मैं चलाता हूँ, क्या मेरे पास है, क्या फ्यूचर प्लान्स है लेने के। सो वो चीज़ अभी बाइक पे आपको पता चल जाएगी। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कल क्या क्या चीज़ें खरीद के लाया था। दिल्ली में, दिल्ली कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के लौटने हम लोग। तो भाई दिल्ली में अगर आप चेक करोगे कि गोप्रो चाहिए और कहाँ से लें, तो मोस्ट ऑफ द लोग कहेंगे चांदनी चौक चौधरी कुंज मार्केट से जाके लेकर आओ। बट अगर आपको चाहिए सबसे कम रेटों में विद बिल विद वारंटी, सो आप ले सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम से। मैं बता दूंगा कैसे लेना है, मेरे को कांटेक्ट कर लेना। सबसे पहले वो जो हैं उन्होंने मेरे को मना कर दिया था कि वो शिपिंग नहीं कर पाएंगे। सो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। और अगर आपको ये सारी चीज़ अच्छी लगती है कि भाई मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें करता हूँ, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मैंने उनसे पर्सनली बात करी कि अगर मैं आपसे बाय कर लूँ और फर्दर कुरियर कर दूँ तो इज़ इट पॉसिबल। तो उन्होंने कहा आपकी मर्जी है, आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो सबसे पहले चलते हैं हमारे गोप्रो पे जो कि हीरो 8 है। अभी इसको बाइक पे लगा के मैं आपको मोटो व्लॉग दिखाऊंगा। और ये मेरे को पड़ गया 29,000 विद व्हील विद 1 ईयर वारंटी। और आपको दिखा दें, सो सबसे पहले आप अगर गोप्रो को देखोगे ऊपर, सो गोप्रो पे लिखा हुआ है ऑफिशियल प्रोडक्ट इंडिया, ठीक है। सो भाई ये इंडिया वाला ही लेना है आपने। अगर आप कोई सा भी गोप्रो ले रहे हो सो ट्राई कि इंडिया वाला ही हो। नहीं है इंडिया वाला, फॉरन का है तो रेट बहुत कम होंगे उसके, लगा लो चौधरी कुंज मार्केट में ये कुछ 32-33 हज़ार रुपये का मिल रहा है विद बिल। क्योंकि दानिश भाई और राजवीर भाई सुबह सुबह निकले हैं अपने केदारनाथ राइड के लिए, और कल वो गोप्रो की बैटरी लेने गए थे और कल ही मैं ये खरीद के लाया हूँ। सो मैं जा नहीं पाया बिकॉज 9 तारीख को मेरी एक मीटिंग है, तो मैंने कहा यार इस बार नहीं हो पाएगा, बट फ्यूचर में एक प्लान है वो मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। सो ये मेरे को पड़ गया 29,000 का। ये मेरे को स्लीव यार्ड पड़ गया 800 का। अगर आप इसकी MRP की बात करेंगे तो 1,500-1,800 रुपये है। और ये जो है स्लीव आपको चौधरी कुंज मार्केट में 1,000 का मिलेगा। तो 800 का ये पड़ गया था मेरे को। और इसके साथ मैंने ली थी एक एडवेंचर किट, जो एडवेंचर किट मैंने अभी बैग के अंदर डाल दिया, आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का एडवेंचर किट आता है अपना गोप्रो का, और ये विदाउट बॉक्स लिया था मैंने। सो ये मेरे को पड़ा था विदाउट बॉक्स 2,500 का, और सही रेट में मिल गया। गोप्रो की ओरिजिनल एक्सेसरी है इसलिए महंगी है, वैसे ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आती नहीं। एक ये आता है, एक आपका कैप माउंट आता है, एक आपका हेड माउंट आता है, बस 3 चीज़ आती है। एक बॉक्स मिल जाता है आपको जिसके अंदर आप अपनी गोप्रो के लिए ये जगह बना सकते हैं, जैसे मैंने इसके लिए ये जगह बना दी है। और यहाँ ये आ जाता है शॉर्टी, मैं यहाँ रख देता हूँ। शॉर्टी अलग से परचेज किया था मैंने, ये 1,300 रुपीज़ का पड़ा, ये भी गोप्रो का ओरिजिनल है। सो ओरिजिनल आइटम थोड़े महंगे होते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपका बजट नहीं है दादा तो आप ये सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट और जो आती हैं वो वाली परचेज करें, और ओरिजिनल ना परचेज करें। बट मैं एक ही जगह से ले रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं से बाय कर लूँ मैं सारी चीज़ें, तो इसीलिए मैंने कर ली। और ये चीज़ अगर गोप्रो किसी को चाहिए हो, गोप्रो हीरो 8, तो मैं भाई 29,000 का तो वहाँ से परचेज करूँगा, प्लस जो शिपिंग लगेगी। आप मेरे सब्सक्राइबर हो, जो मेरा सब्सक्राइबर है सिर्फ उसके लिए ही है ये। सो उसको मैं ये चीज़ अवेलेबल करवा दूंगा, मतलब मैं उसको कुरियर कर दूंगा अगर वो मेरे को पेमेंट, और वो भेज देता है डायरेक्टली, मैं वहाँ से परचेज करके आपको भेज दूंगा। बिकॉज वो नहीं भेज रहे थे तो मैंने कहा कि इस प्राइस रेंज में अगर आप अपने गूगल पे भी चेक करोगे तो भी नहीं मिलेगा आपको। इनफैक्ट जो सबसे बड़ी कैमरा मार्केट कहते हैं चांदनी चौक की, वहां पे भी ये 32 का मिल रहा है। दानिश भाई और राजवीर भाई वहीं पे थे तो मैंने बोला भाई बिल्कुल हार्ड बार्गेन करो, मतलब रुला दो उस बंदे को, लेकिन रेट जो है मेरे को जेन्युइन दिलवाओ। सो उन्होंने फुल ट्राई करा बट देन टू वो चीज़ नहीं हो पाई। सो ये चीज़ भाई मैंने फिर जहां मैं गया था वहां से मैं लेके आया, उन्होंने मना किया है ना एड्रेस डालना है ना फोन नंबर डालना है। सो उन्होंने को मैंने अपनी परमिशन लेके कि मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। सो मेरे किसी सब्सक्राइबर को चाहिए हो तो मैं आपसे ले लूंगा। अब चलते हैं सीधा बाइक पे, इसको माउंट करता हूँ और पुराने हेलमेट का शीशा चेंज कराना, एक दो काम है वो करते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरे को, जो इसका माउंट है मतलब हेलमेट पे लगाने के लिए, मेरे पास इसका पर्टिकुलर माउंट नहीं है अभी। जो मेरे पुराने कैमरे का माउंट था वो मैं यूज़ करने की कोशिश कर रहा था बट वो भी नहीं हुआ। बट जो मैंने एडवेंचर किट ली थी उसमें जो कैप माउंट आया था वो मैंने अपने शीशे के ऊपर माउंट कर दिया है, तो मतलब वो ऐसे ही लग जाता है जैसे कैप में फंसा दिया या अपनी जीन्स के पॉकेट में फंसा लिया तो बेल्ट में फंसा लिया, तो मतलब वो उस तरीके का माउंट होता है। तो मैंने अपने ये सामने का जो शीशा भी चेंज कराने जा रहे हैं, क्या कहते हैं तो हेलमेट वाइजर, इसके अंदर मैंने भी उसको फंसा दिया। इसके अंदर भी फंस सकता है, देख लो ऐसी थिकनेस जहाँ होती है तो वहाँ पर वो चीज़ फंस जाती है। और आप लोगों को बताना है कि क्लियरिटी कैसी आ रही है इसकी, क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा भी गोप्रो के साथ यार। इतना महंगा कैमरा लेने के बाद मोटो व्लॉग करना तो देखो बनता ही था, क्योंकि
मैं लेने का 50,000 का वो भी ले सकता था, 47,000 का मिल रहा था कैनन M50 DSLR। मेरी मोस्ट ऑफ द शूट नाइट टाइम में होती है तो मेरे को लगता है कि नाइट टाइम में वो ज़्यादा बेनिफिशरी होता, बट फिर कहीं ना कहीं मेरे को मोटो ब्लॉग करना था, हेड माउंट करके कार की ड्राइविंग दिखानी थी, टेस्ट राइड रिव्यूज़ करने थे, तो उस चीज़ के लिए मेरे को जो है GoPro ही चाहिए था। अभी कोई एक्सटर्नल माइक अडैप्टर भी नहीं लगा हुआ है, जो आवाज़ आ रही है वो रो फ्रॉम द GoPro ही आ रही है। जा रहा हूँ अपने हेलमेट वाला पे जो कि हमारा रमेश नगर में है, और मतलब उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, रजत भी है हमारे और स्टील गार्ड और स्टड के, आपको हेलमेट इतने अच्छे रेटों पर देते हैं वो कि यकीन नहीं हो पाता है। वीडियोज़ अगर आप यूट्यूब पर देखोगे तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ से ख़रीद लो, क्या कहते हैं चंडे वालन के नीचे बहुत सारी दुकानें हैं, हाँ खरीद सकते हो, बट जो रेट मेरे को रजत भैया देते हैं भाई ऑल ओवर दिल्ली कोई नहीं देता। फिलहाल अभी हेलमेट नहीं लेना, हेलमेट भी लूँगा बिकॉज इस कैमरे के लिए एक नया हेलमेट तो बनता है। बाकी मूड के ऊपर है, जैसे लेने GoPro गया था एडवेंचर किट भी उठा ली, और पहले पैसे नहीं होते तो भाई सोचना पड़ता था कि ये लूँ या ना लूँ। अब मैंने जब घर आ गया ना तब मेरे को फील हुआ कि भाई एडवेंचर किट जो है यूजलेस ले ली मैंने, उसके अंदर सिर्फ एक हेड माउंट मेरे यूज़ का है, अदरवाइज़ वो जो है पैसे मेरे वेस्ट हो गए। तो वही चीज़ है कि भाई जब पैसे होते हैं तो यार ये चीज़, अब मैं थोड़ा सा केयरफुल होकर तभी मैं आज हेलमेट नहीं खरीद रहा, मैंने कहा आज हेलमेट नहीं खरीदेंगे क्योंकि पैसे थोड़े से सेव करने, एक दो काम और भी है। ओ भाई, तो ये रहा भाई, ये देखो हेलमेट वाला भैया की शॉप है, ये भैया के पास आए हैं, भैया के पास लेकर चलते हैं, सीधा आपको मिलवाता हूँ। ये देखो कैसे हो रजत भैया, तो मैं आ गया था यहाँ पे और बाहर की तरफ व्यू देखोगे तो बहुत अच्छा है यहाँ से खड़े होकर देखने के लिए। और इनके पास जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी थी ये फिलहाल के लिए डमी है, अभी इसका भैया के पास आने वाला है पीस। बीएस के रेट बता सकते हैं क्या आएगा? 14,000 जिसके अंदर आप बता रहे हो कि यूज़ नहीं कर सकते, ओनली फॉर शूट के लिए, अगर किसी को फोटोशूट और बच्चों के खेलने के लिए 14,000 रुपये का खिलौना ये देख सकते हो। क्या बोलता है खोलो तो आती है, बंद कर तो अच्छा, बस उतना ही, आँखों में लाइट जलेगी, इसमें लाइट भी जलेगी, एक बार चेक कर सकते हो। सो ये था इनके पास कलेक्शन। तो बोलोगे कि स्टार्टिंग की जो रेंज आती है आपको साइकिल तक के मिल जाएंगे, और उसके अलावा अगर आपको प्रीमियम में जाना है तो MT के हेलमेट्स मैंने अभी देख रहा था मैं बैठे बैठे, सो सोचा मैंने परचेज़ करूँ। तो एक ये थंडर निकलवाया था मैंने खुद के लिए, अभी देखते हैं कि इसको लूँगा नहीं लूँगा। और भैया के पास ये भी मिला नहीं क्योंकि भैया कह रहे हैं न्यू हेलमेट्स का काम ज़्यादा है, ये वैसे मेरे लिए मंगवा देंगे। और ये चीज़ जो है MT का भैया, कौन सा ये थंडर? सो ये थंडर आप देख सकते हैं, और इसकी जो MRP है 6600 रुपीज़ है MRP। बाकी थंडर जो हेलमेट है वो ज़बरदस्त रहता है। बाकी मैं सिर्फ डिटेल्स एक एक हेलमेट की आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक तरीके से आज कलेक्शन दिखा रहा हूँ। बाकी पर्टिकुलर किसी हेलमेट की डिटेल चाहिए हो तो मेरे को बताना ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर हेलमेट की रेंज बोलोगे तो भाई बहुत सारे हैं। ये देखो इसमें भी है, सबसे बेसिक वाले कौन से आते हैं अपने, ये वाइस वाले 650 से स्टार्ट हो जाती है चीज़ें। और ये वाला मैं वैसे अपने लिए ब्लू वाला लेने की सोच रहा था, बट ये थंडर 3 मेरे बजट से थोड़ा भी आउट है, बाकी फ्यूचर में ज़रूर इसको ट्राई करेंगे लेने के लिए। BS के अंदर ऑलमोस्ट सारे साइज सारे कलर सब मिल जाएंगे ना, सारे कलर सारे साइज। और ये इसके अंदर ये सारे देख लो, ये हेलमेट्स पड़े हैं और ये जेन्युइन सारा MT से इम्पोर्टेड है ये सारा, और ओरिजिनल MT आपको यहाँ मिलेगी भैया। विद बिल है, विद वारंटी, टू इयर्स की वारंटी। और ये कलर बहुत अच्छा लगा था मेरे को, नियॉन विद ब्लू, बट अभी ये चीज़ नहीं ले सकते। इसके अलावा आपको स्टील बर्ड के एयर के बेसिक सीरीज मिल जाएगी, जो स्टील बर्ड Air 1 है, और विजन स्टील बर्ड एयर, स्टील बर्ड Air 2। टू है, हाफ फेस है, फुल फेस है? फुल फेस है आपका, टू वाला। डुअल वाइजर है, सिंगल वाइजर? सिंगल वाइजर है, इसमें डुअल वाइजर वाला वेरियंट भी आता है। डुअल वाइजर में आपको एयरोनॉटिक्स मिलेंगे, ये देखो। और उसके अलावा भैया ये विजन किसका ब्रांड है? स्टील वर्ड, स्टील वर्ड का ये विजन मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, सो डुअल इसके एयरोनॉटिक्स भी है, क्या रेंज आ जाती हैं? 3119 यानी कि 3100-3200 रुपये। ग्राफिक्स लो चाहे प्लेन लो, ग्राफिक की ज़्यादा होती है, प्लेन सस्ता है, प्लेन सस्ता है, ग्राफिक्स वाला महंगा है। और सारी 3519 रुपये, 33 विद बिल विद वारंटी। सो इसमें एक साल की, दो साल की, वन ईयर आती है स्टील बर्ड के साथ आपकी, तो ये चीज़ मिल जाएगी। और बाकी भैया के पास किसी दिन फ्री डे में स्टील बर्ड पे और स्टड्स पे डिस्काउंट भैया कर देंगे।
बाकी भैया के पास किसी भी फ्री टाइम में मैं आऊँगा जिस दिन, उस दिन आपको किसी जो हेलमेट है उसकी बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो बना के दिखाऊँगा, जैसे किसी दिन एमटी की बना के दिखाऊँगा, किसी दिन एरोनॉटिक्स की दिखाऊँगा, क्योंकि अभी इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ अगर मैं कवर करने लगूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी यहाँ पर। और फिलहाल जो है इसका मन है मेरा एमटी का थंडर का, और कलर वो ब्लू वाला, सो देखते हैं कब परचेज कर पाएंगे हम। फिलहाल मैंने मूड बनाया इसके लिए, और जैसे देखते हैं अगर होता है तो आपको पता चल ही जाएगा इस वीडियो के अंदर। उसका शीशा तो अभी मिला नहीं था तो ये वाला फ़िलहाल के लिए ले लिया, इसको उतारूंगा एक बार चेक करो। और इसमें मैंने भैया से पूछा है कि मेरे को स्मोक ब्लैक वाइजर चाहिए था, बट वो भैया के पास आते नहीं स्टड के अंदर। वही बात है कि कभी मिल जाए तो मिल जाता है और नहीं मिलता तो नहीं मिलता। बट स्टील बर्ड के अंदर भैया ऑल चीज़ें, सारी चीज़ें स्टील बर्ड में तो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। बाकी भैया ने कॉम्प्लीमेंट्री मेरे को ये दिया हेड रैप, कस्टमर को भी देंगे, सिर्फ मेरे लिए था, सिर्फ मेरे लिए था, कस्टमर को भी दे देंगे। चलो मेरे नाम से अगर आप आओगे तो आपको हेड रैप मिल जाएगा। बाकी ये देख लो कि बहुत ज़बरदस्त वाला लुक है इसका, मतलब एम टी लेने वाला था बट फिर बजट बना नहीं एम टी का, यू नो यार इतना ज़्यादा पैसे एक साथ लगाने। इसमें गाने चलते हैं किस में है, इसमें गाने चलते हैं दिखाना एक बारी भाई। देख लो मार्शमेलो वाला भी देख लो। अच्छा ये वो है जो अभी नया आया स्टील बर्ड का, नहीं स्टील बर्ड का ये हैंड फ्री HF आया ना, और ये डिज़ाइन आपने कर, हाँ मार्शमेलो भैया ने डिज़ाइन कर रखा है। अच्छा ये रैपिंग हो रखी है इसके ऊपर मार्शमेलो की, सो इधर एक बार चेकआउट कर लो कि अंदर गाने चलते हैं। और यहाँ से ये वाटरप्रूफ है, मैंने इसकी काफ़ी वीडियोस देखी थी HF की, कि इसके अंदर वो पानी में लोगों ने डुबो डुबो के दिखा रखा है कि ख़राब नहीं होता है स्पीकर। और ये क्या रेट आता भैया? 3000 का मार्शमेलो वाला, और विदाउट मार्शमेलो वाला नॉर्मल 2200। सो ये चीज़ आप देख लो, और ये अच्छी लगी मेरे को, सो ये लो रख दो भैया। और भैया के पास कलेक्शन काफ़ी सारी है, मज़ा आएगा आपको अगर आप एक बार विजिट करोगे भी। एक बार कार्ड दिखा दो आपका, पहले भैया की शॉप अंदर थी, आपने शायद पुरानी वीडियो देख रखी हो, helmetwala.com, तो ये आपका हो गया। और नंबर और एड्रेस सारी चीज़ें यहाँ दे रहा हूँ, सो भैया कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप के लिए, सब के लिए। तो ये चीज़ आप देख लो, और SMK स्टील बर्ड MT एग्जोर स्टड सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे, मेल कर लो चाहे आ जाओ। और मैंने दिखाई दिया सबसे अच्छा जो मैं बता सकता हूँ, खेतरपाल हॉस्पिटल है रोड क्रॉस करके, पिलर नंबर 364, इसके खेतरपाल हॉस्पिटल के जस्ट ऑपोजिट तरफ आओगे सो आपको यहाँ पे ये वाला शोरूम मिलेगा। और फिलहाल मैंने ये वाला ले लिया है, और कम्फर्ट वम्फर्ट तो मैं आपको बता ही दूंगा कैसा है हेलमेट का, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट राइड से पहले एक MT का हेलमेट भी ले लें इनसे। भाई राजेंद्र प्लेस से यहाँ आने में मुश्किल से लगा लो कि 10 मिनट भी पूरे में लगे होंगे, और राजेंद्र प्लेस के बाद ट्रैफिक का हाल देखो, कम से कम भाई 10 बसें तो यहीं। अच्छा ये बस ब्रेक डाउन हो रखी है यार, मतलब बसें पीछे मेरे इतनी खड़ी है, आगे इतनी सारी खड़ी हैं, ये ब्रेक डाउन हो गई है इस चक्कर में इतना ट्रैफिक का। तो भाई बाइक देख लो एक बारी, यहाँ पे मैंने 220 का एग्जॉस्ट लगा रखा है, रूट्स लगा रखे हैं, बोबो गियर का चार्जर लगा रखा है जो कि कुछ 3.0 है, और आंटी ने बना के दिया भाई हमको सैंडविच चीज़ वाला ब्रेड, उसमें बटर में, अमूल बटर में भाई, अमूल बटर, समझ रहे हो मेरी भावनाओं को, मैं गर्म करके। ओए होए होए होए, दुकान देख लो एक बार ये वाली है, और करोल बाग में है बिल्कुल, और रोड देख लो कौन से वाला, अब्दुल अजीज रोड के ऊपर ही है दुकान। बाकी इधर आओगे तो भाई सारी पुरानी गाड़ियाँ देखने के लिए मिल जाती है आपको, ये सारी फोर सेल खड़ी है भाई, सारी स्कॉर्पियो ले लो, बलिनो ले लो, ये देखो मर्सिडीज़ भी मिल जाएगी स्कॉर्पियो, मतलब सारी नहीं है, कुछ कुछ इनकी पर्सनल भी होती है, मतलब मोस्ट ऑफ़ द गाड़ियाँ जो आप इस लाइन में देख रहे हो ना, मोस्ट ऑफ़ द गाड़ियाँ ये PNB वाली पार्किंग छोड़ के, मोस्ट ऑफ़ द गाड़ियाँ ये ईको देख लो एक लाइन से खड़ी है, ये ZX खड़ी है, और होंडा सिटी IVTEC खड़ी है, अमेज खड़ी है, अमेज आई थॉट डोंट थिंक की सीरीज के लिए होगी। बाकी मोस्ट ऑफ़ द गाड़ी यहाँ देखोगे जो भी आपको साफ नज़र आ रही है सारी फोर सेल होती है, डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, बम्पर चेंज कर, मतलब बम्पर पेंट कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, और मोस्ट ऑफ़ द गाड़ियाँ सारी फोर सेल के लिए होती है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे संडे को आओगे ना रात को, आपको ऐसा लगेगा जैसे टोक्यो ड्रिफ्ट में नहीं पार्टी होती भाई, गाने चल रहे हैं गाड़ियों में, सब अपने सिस्टम को शो ऑफ कर रहे हैं, गाड़ियों को शो ऑफ कर रहे हैं, वैसा सीन होता है यहाँ पे संडे को रात में। ये देखो जैसे ये देखो फुल पावर लेके जा रहा है, तो रात में होता है, दिन में तो इतना नहीं नज़र आता। वो रही हमारी निक्कू भाई की दुकान, वो रही निक्कू कार्ड डेकोर, और यहाँ पे आ गए अब तो फिर बाइक यहाँ पहुँच गए थे हम करोल बाग, और अभी दुकान के अंदर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिल जाती है हमारे पास। यहाँ पे देखोगे सो ये जितनी भी HID LED हैं आपकी, हमारी हाइपरसोनिक की हो गई, जिमर की हो गई, ये देखो जिमर की पड़ी है, ये आपकी
H4 पड़ी है नॉन कैनवस वाली, और कैनवस वाली भी होती है आपको सर्विन वेगा के एम्प। तो जो ये HID है सारी, ये आप मेरे से बाय कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम से, और ये वाली DRLs भी, ठीक है, एक बार देख लो। सो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम से। और ये वाला ब्लॉग शॉर्ट था, और यहीं पर जो है ब्लॉग एंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे को वो बाहर जो करेटा खड़ी है उसको शूट भी करना है, और काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, और इसमें बैटरी भी कम बची है, 62% बची हुई है, और बैटरी बैकअप जो है इसका थोड़ा सा ख़राब लगा मेरे को, एक बैटरी और परचेज़ करेंगे। कोशिश करता हूँ कि चांदनी चौक कल जाऊँ मैं, और वो भी आपको ब्लॉग जो है पूरा चांदनी चौक का दिखाऊंगा कि क्या क्या मिलता है, क्योंकि जहाँ से ये मैं ख़रीद के लाया था वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी, उनके पास माउंट्स नहीं थे इसके, जो जेन्युइन सारी एक्सेसरी आती है GoPro की सिर्फ वही थी। तो सारी एक्सेसरी जो मेरे को लगती थी मेरे काम की GoPro की वो मैंने ले ली, अदर चीज़ें मैंने नहीं ली। तो वो चांदनी चौक से लेंगे जो कि सस्ती पड़ेगी हमको, और वहाँ का ब्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलता हूँ नेक्स्ट।